साथियों जय हिंद, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, टाइटल को देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कुछ साथी होते हैं हमारे, बहुत बचपन में ही वो आर्मी की वर्दी देखकर या मूवी में या कहीं भी देखकर वो सपना देखने लगते हैं कि मैं भी किसी दिन आर्मी में जाऊंगा, लेकिन किसी दुर्भाग्यवश उनकी लंबाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप आर्मी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज हम आपके लिए ऐसी एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो आप कर लेंगे तो आप निश्चित ही अपनी जो हाइट है, ठीक है, वो किसी भी एज में, यदि आप 18 साल से ज़्यादा हैं और 25 साल से कम है, तो आपकी हाइट चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, दोनों की हाइट एकदम 100% है कि बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। सिर्फ आप एक्सरसाइज कंटिन्यूटी जारी रखिएगा, मतलब डेली एक्सरसाइज करना है आपको। ये नहीं कि एक दिन करो दो दिन बाद फिर करो, ऐसा नहीं करना है आपको। आप रूटीन बना लीजिए, उस रूटीन को आधार मानकर आपको डेली वो एक्सरसाइज करना है। ठीक है, आप डेली करेंगे तभी फायदा होने वाला है। इससे पहले जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि उनको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, हाइट आपकी बढ़ती क्यों नहीं है? तो साथियों, ये दो तीन कारणों से होता है। एक होता है कि आपका आनुवंशिक होता है, यदि आपके माता पिता की लंबाई नहीं है, आपके माता की लंबाई नहीं है या आपके पिता की लंबाई नहीं है, तो कई केस ऐसे आते हैं, लगभग 60% केस ऐसे हैं कि आपकी भी लंबाई नहीं बढ़ती है। लेकिन उसका एक कारण और भी होता है, जैसे आपका जो समय पर खान पान है या आपका जो माहौल है, ठीक है, उसके आधार पर भी आपकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो साथियों, यदि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है और आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं या किसी भी डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप ये एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपने डाइट पर भी ध्यान रखना है, और ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको डेली वर्कआउट भी करना पड़ेगा, मतलब आप लंबी रनिंग भी करिए। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आप अपनी एज के हिसाब से, अपनी जो ये डिस्टेंस मैंने बताई, ठीक है, उसको आप आधार मान लीजिए। आप धीरे धीरे रनिंग करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्पीड में ही रनिंग करें, ठीक है। ये वर्कआउट करने से पहले आपको रनिंग ज़रूर करना है और डेली का डेली ये एक्सरसाइज करना है, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल रहने वाली है। आपको क्या करना है कि सिंपली अपने दोनों पंजों पर खड़ा होना है, और खड़ा होने के बाद थोड़ी देर आपको पुश करना है, मतलब आपको स्टॉप रहना है, फिर नीचे आना है। फिर नीचे आने के बाद, ऊपर जाने के बाद, फिर आपको 10 सेकंड 12 सेकंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रुक सकें, आपको ऊपर ही रुके रहना है। किस तरीके से वो देखिएगा, आपको इस तरीके से खड़ा हो जाना है, ठीक है। अपने हाथों को ऊपर ले जाने की बार बार कोशिश करिएगा, मतलब हाथों को ऊपर करने के बाद ये जितना ऊपर आप अपने आप को ऊपर को ढकेल सके उतना ऊपर को आप ढकेलिएगा, इससे बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है आराम से, फिर आपको तुरंत ही ऊपर चले जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको बार बार प्रेशर लगाना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर को खिंचाव ला सके अपने शरीर में, उतना खिंचाव लाएं, जितना खिंचाव लाएंगे, ठीक है, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, दूसरी एक्सरसाइज में आपको हल्का हल्का जंप लेना है। जंप क्या रहेगा कि पंजों पर लेना है, और इतना याद रहे कि आपका यहाँ से, मतलब आपका जो गला भी है ये भी ऊपर को खींचे, कुछ इस तरीके से जंप लीजिएगा। किस तरीके से वो वीडियो में आप देखिए। आप जंप लेते समय इतना ध्यान रखिएगा कि आपको पंजे पर जंप लेना है, आपकी एड़ी कभी भी ज़मीन में ना सटने पाए, ठीक है। आपको थोड़ी देर जंप लेने के बाद इस तरीके से, उसके बाद अपने हाथों को उठा के ही जंप लेना है। किस तरीके से वो देखिए। अब इस तरीके से आप जंप लेंगे तो आपका जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है इसमें खिंचाव आएगा, और धीरे धीरे आपकी हाइट ग्रो करने लगेगी। उसके बाद आपको इसी में तीसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, अपने हाथों को इस तरीके से बांधिएगा, देख लीजिए किस तरीके से। उसके बाद आप ऊपर से एक बार इधर को ले जाएंगे, एक बार इधर को ले जाएंगे, फिर नीचे को लाएंगे। किस तरीके से, ये जो तीनों एक्सरसाइज है ये एक ही मान के चलिएगा कि हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज में 3 रेपिटेशन है, किस तरीके से वो देखिएगा। आपको इस तरीके से हाथ बांधना है, उसके बाद ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद आपको एक बार ऊपर को उठाना है अपने शरीर को। ऊपर उठाने के बाद आप नीचे को आएंगे, नीचे आने के बाद आपको उधर साइड में ले जाना है। किस तरीके से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले जाएंगे उतना आपके इस वाले पोर्शन में खिंचाव आएगा, जिससे कि आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं आप इतना ध्यान रखिएगा कमर में आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा हो, मतलब आपके कमर में खिंचाव ज़्यादा है, तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसी प्रकार उधर को ले जाना है। फिर इसी में आपको क्या करना है कि आपको नीचे को लाना है। किस तरीके से वो देखिएगा, आप सामने को लाइएगा। इसमें आपके कमर का जो एंगल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से एंगल रखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको जो चौथी एक्सरसाइज क्या करनी है, उसमें आपको ऐसे ही हाथ उठाए रखना है। उसके बाद पंजे के बल चलना है। किस तरीके से चलना है वो आप देखिएगा, इस तरीके से,
इस तरीके से आप 100 मीटर अपना डिस्टेंस बना लीजिए, आपको चलने से बहुत ही जल्दी आपकी जो हाइट है ठीक है वो ग्रो करने लगेगी। आप जो पांचवी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, वो किस तरीके से आपको अपने शरीर को इस तरीके से जंप लेना है। जंप लेंगे तो आप निश्चित ही पैर से और हेड तक आपकी जो मांसपेशी है उसमें खिंचाव आएगा, जिससे कि आपकी हाइट ग्रो करेगी, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी। तो किस तरीके से आपको करना है देखिएगा, आपको इस तरीके से जंप लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा जंप लेना है 10 के रिपीटेशन में। आप 10 सेट बना लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो साथियों ये रही आपकी एक्सरसाइज जो कि आपकी हाइट को बहुत ही जल्द ग्रो करेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन इसी तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।